कुर्नेलियुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसे बाइबल या परमेश्वर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन वह एक भक्त था जो निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करता था और उदारता के साथ गरीबों की मदद करता था। 10:2 एक स्वर्गदूत ने प्रकट होकर उसे कहा कि उसकी प्रार्थना और दान परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण किए गए हैं। 5:4 इस तरह हम देखते हैं कि अगर गैर मसीह भी परमेश्वर का भय मानने वाले और निष्ठावान हो तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को भी सुनता है और उन्हें मसीह के पास पहुंचाता है, जो पिता के पास पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। यूहन्ना 14:6 पत्रस की तरह बहुत से मसीही अपने आप को गैर मसीहों से श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन कुर्नेलियुस जैसे कुछ गैर मसीही अधिकांश मसीहों से ज्यादा परमेश्वर का भय मानने वाले हैं। पत्रस भी ये समझता था कि वह गैर यहूदियों से ज्यादा शुद्ध था, इसलिए परमेश्वर को उसकी राय बदलनी पड़ी और उसके हृदय की सीमाओं को बढ़ाना पड़ा। पत्रस अपने इस विचार में बड़ा हठीला था, इसलिए उसके विचार को बदलने के लिए परमेश्वर को उसे एक दर्शन दिखाना पड़ा। 11 इस दर्शन में पत्रस ने एक चादर को आकाश से उतरते देखा जिस पर सभी तरह के शुद्ध और अशुद्ध पशु थे और उससे ये कहा गया कि वह उनमें से मारे और खाए। पत्रस ने ऐसा करने से इनकार किया क्योंकि उसने कभी कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई थी, क्योंकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार पशु अशुद्ध थे और यहूदियों के लिए उन्हें खाने पर प्रतिबंध था। लय व्यवस्था 11 लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है वह उसे अशुद्ध न कहे। उसे यह दर्शन 3 बार दिखाया गया। पत्रस जबकि इस दर्शन को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि कुर्नेलियुस के संदेशवाहक उस घर पर पहुंच गए जहां पत्रस था और उन्होंने उसे यह संदेश दिया कि एक स्वर्गदूत ने कुर्नेलियुस को दर्शन देकर उसे अर्थात पत्रस को उसके घर पर बुलवाया है। तब पत्रस को यह समझ आया कि परमेश्वर उसे इस गैर यहूदी के घर जाने के लिए कह रहा था जिसे यहूदी अशुद्ध समझते थे। वह स्वर्गदूत जो कुर्नेलियुस के घर आया था यकीनन इस सच्चाई को जानता था कि मसीह जगत के पापों के लिए मरा है और वह मृतकों में से जी उठा है। फिर उसने कुर्नेलियुस को वह सुसमाचार क्यों नहीं सुनाया और ये क्यों कहा कि वही संदेश सुनाने के लिए वह पत्रस को बुलाए? पत्रस के पास ऐसा क्या था जो स्वर्गदूत के पास नहीं था? मुझे यकीन है कि स्वर्गदूत पत्रस से 10 गुना ज्यादा अच्छे ढंग से सुसमाचार सुना सकता था, लेकिन पत्रस के पास उद्धार का वह अनुभव था जो स्वर्गदूत के पास नहीं था। कृपा के द्वारा उद्धार पाया हुआ एक पापी ही एक दूसरे पापी को उद्धार के बारे में बता सकता है। प्रेरितों के काम के पहले पद में हमने यही देखा था, वह जो यीशु ने किया और फिर सिखाया। अगर आपको किसी बात का अनुभव नहीं है तो उसके बारे में बात न करें। स्वर्गदूत ने भी इस ईश्वरीय सिद्धांत का सम्मान किया, इसलिए उन बातों का प्रचार न करें जो आप जानते हैं, बल्कि उनका प्रचार करें जिनका आपने अभ्यास किया है या आप कम से कम जिनका अभ्यास करने की खोज में है। जब पत्रस कुर्नेलियुस के घर में आया तो उसने कहा, अब मैं सचमुच समझ गया हूं कि हर एक जाति में जो परमेश्वर का भय मानता है और सही काम करता है वही परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। 10:35 सिर्फ हर एक जाति में ही नहीं, हर एक धर्म मत में भी।
हर एक धर्म में से परमेश्वर उनका स्वागत करता है जो उसका भय मानते हैं और उन्हें मसीह तक पहुंचाता है कि वे उद्धार पाए। अगर पत्रस कुरनेलियुस के घर जाने से इनकार कर देता तो क्या होता? क्या पत्रस के आज्ञा न मानने की वजह से कुरनेलियुस उसका उद्धार खो देता? अगर पत्रस नहीं जाता तो परमेश्वर याकूब, यूहन्ना या और किसी को भेजता। अगर हनन्या तरसुस के शाऊल के पास नहीं जाता तो परमेश्वर किसी और को भेजता। अगर आप वहां नहीं जाएंगे जहां परमेश्वर आपको भेजता है तो परमेश्वर आपकी सेवकाई किसी दूसरे को दे देगा। 10:38 में पत्रस ने यीशु की सेवकाई का इस तरह बयान किया, नासरत का यीशु जिसका परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया था और जो भलाई के काम करता और उन सबको जो दुष्टात्मा द्वारा सताए हुए थे चंगा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यीशु के जीवन में भी सामर्थ ही पवित्र आत्मा के अभिषेक का प्रमाण था और उस सामर्थ से यीशु ने भलाई के काम किए और लोगों को शैतान की बुराई से छुड़ाया। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से इसलिए भरता है ताकि हम दूसरों के साथ भलाई कर सके और उन्हें शैतान की बुराई से छुटकारा दिलाए। हमारे आसपास ऐसे लोगों की बड़ी भीड़ है जिन्हें शैतान सता रहा है, ऐसे लोग जो निराश है, जिनके वैवाहिक जीवन में कोई शांति या आनंद नहीं है, जिनका वैवाहिक साथी उन्हें सता रहा है, जिनके माता पिता उन्हें अनदेखा कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो आत्महत्या करने का विचार भी कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें ऐसे लोगों के बीच में इसलिए रखा है ताकि हम पाप और शैतान से छुटकारा पाने में उनकी मदद करें और फिर इस तरह उन्हें खुशी मिल सके। इस सेवकाई को पूरा करने के लिए अगर यीशु को भी पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत थी तो हमें और भी कितनी ज्यादा जरूरत होगी। हम पढ़ते हैं कि जब यीशु का अभिषेक हुआ तो परमेश्वर उसके साथ था, और जब हमारा पवित्र आत्मा से अभिषेक होगा तो परमेश्वर हमारे साथ भी होगा। जब हम पुलपिट में खड़े होकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं या जब हम किसी मनुष्य में से दुष्टात्मा निकालने जाते हैं तो लोगों को आशीष देने के लिए परमेश्वर हमारे साथ होगा। 11:28 में हम अगबुस नाम के एक नबी के बारे में पढ़ते हैं जिसने ये नबुवत की कि पूरे संसार में अकाल पड़ने वाला है। उसने ये नहीं कहा कि वह कब होगा, क्योंकि यीशु ने कहा था कि समय और काल पिता के हाथ में है, प्रेरितों 1:7। लेकिन वह अकाल कुछ समय बाद ही हुआ था। पुरानी वाचा और नई वाचा के नबी, पुरानी वाचा की नबुवत और नई वाचा की नबुवत में फर्क है। पुरानी वाचा में लोग नबी से अपने लिए दिशा निर्देश मांगते थे कि वे क्या करें, और तब नबी उनका उस बात के अनुसार मार्गदर्शन करता था जो परमेश्वर उसे उनके लिए बताता था। ये इसलिए था क्योंकि लोगों के पास उनका मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा नहीं था। पवित्र आत्मा सिर्फ नबी के पास ही होता था। लेकिन नई वाचा में प्रभु कहता है, उनमें से कोई अपने पड़ोसी को ये शिक्षा न देगा और न अपने भाई से कहेगा प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जानेंगे। इब्रानियों 8:11। अब जबकि पवित्र आत्मा हर एक के अंदर वास कर सकता है, इसलिए अब एक नबी को परमेश्वर की किसी भी संतान के लिए ऐसी दिशा निर्देशीय नबुवत करने की जरूरत नहीं रही है जिसमें उसे ये बताना पड़े कि उसे क्या करना है। अगर वह ऐसा करता है
तो वह पवित्र आत्मा की जगह ले लेगा और फिर वह लोगों को मसीह के साथ नहीं अपने साथ जोड़ेगा। बाइबल कहती है कि हम में वास करने वाला पवित्र आत्मा बड़ी जलन के साथ हमारी कामना करता है, याकूब 4:5। वह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वह बड़ी ईर्ष्या के साथ यह चाहता है कि हमारा दूल्हे के साथ सीधा रिश्ता हो और मसीह और हमारे बीच में कोई मनुष्य न हो। आजकल ऐसे बहुत से पास्टर और स्वनियुक्त नबी हैं जो लोगों को ये बताते हैं कि उन्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे विवाह करना है आदि। ये सब लोग असल में पवित्र आत्मा के काम में रुकावट पैदा करते हैं, क्योंकि ये लोगों को ऐसा आभास कराते हैं कि परमेश्वर सीधे तौर पर उनसे बात नहीं करेगा। ऐसे नबी जाने या अनजाने में शैतान द्वारा प्रेरित होते हैं, क्योंकि ये लोगों और प्रभु के बीच में आ जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखे कि पवित्र आत्मा बड़ी लालसा करता है कि आप घनिष्ठता के साथ मसीह के साथ जुड़े रहे, और ये कि आपके और उसके बीच कोई दूसरा न आ सके। बहुत लोगों ने मुझसे ये चाहा कि मैं उनके जीवन के किसी क्षेत्र के लिए परमेश्वर की इच्छा जानूं। मैं ये करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। परमेश्वर का भय न मानने वाला व्यक्ति ही किसी दूसरे के जीवन में पवित्र आत्मा की जगह लेने का दुस्साहस कर सकता है। मैं लोगों को उन बातों के लिए सलाह देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ जिनके बारे में वे खुद फैसला करने की तैयारी कर रहे होते हैं। मैं उन्हें एक रास्ते में आगे बढ़ने के फायदों और खतरों के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन फिर मैं उनसे प्रार्थना करने के लिए कहता हूँ और उन्हें ये आश्वासन देता हूँ कि परमेश्वर स्वयं पवित्र आत्मा द्वारा उन्हें बताएगा कि उन्हें क्या करना है। इसलिए किसी के जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करने द्वारा उनके जीवन में परमेश्वर का स्थान न ले। मसीह विरोधी के लिए ये कहा गया है कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर स्वयं को परमेश्वर प्रदर्शित करता है, 2 थिस्सलुनीकियों 2:4। आज ऐसे झूठे नबी मौजूद हैं जिनमें मसीह विरोधी का आत्मा है, और जो कलीसिया परमेश्वर के मंदिर में बैठकर परमेश्वर की जगह ले लेते हैं और लोगों को उनके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा बताने लगते हैं। ये स्वनियुक्त नबी झूठे नबी है। इस बात का एक और सबूत यह है कि लोगों के लिए नबूत करने के बाद वे उनसे धन पाने की अपेक्षा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डॉक्टर सलाह देने के बाद अपनी फीस ले लेता है। जो लोग ऐसे नबियों के पास जाते हैं वे प्रभु में कभी नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे पवित्र आत्मा के साथ अपना सीधा संपर्क खो देते हैं। फिर जब वे अगली बार परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं तो उन्हें फिर से उस नबी के पास जाना पड़ता है। पवित्र आत्मा किसी दूसरे के द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं आपको परमेश्वर की इच्छा दिखाना चाहता है। यहां अकबूस ने, जो एक सच्चा नबी था, क्या किया? उसने कहा कि सारे जगत में भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उसने ये नहीं कहा कि गरीब संतों के लिए दान इकट्ठा करके उन्हें भेज दिया जाए, नहीं, क्योंकि वह जानता था कि नई वाचा में किसी को भी परमेश्वर की किसी संतान को ये नहीं बताना है कि उसे क्या करना है। जो बात झूठे नबी नहीं जानते, वह जानता था कि उसकी हद कहां तक है। परमेश्वर ने भविष्य के बारे में एक सच्चे नबी को जितना बताया होगा वो उतना बोलेगा और फिर चुप हो जाएगा। अंताकिया के विश्वासियों ने फिर स्वयं परमेश्वर की इच्छा जाननी चाहिए
और पवित्र आत्मा ने स्वयं उन्हें बताया कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने कुछ पैसा जमा किया और गरीब संतों के लिए भेज दिया। दिशा निर्देशीय नबुवत पुरानी वाचा की बात है, क्योंकि उस समय लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं था, लेकिन ये नई वाचा में कहीं नहीं पाई जाती। नई वाचा में हम जितनी जगह पैसा जमा करने के बारे में पढ़ते हैं, चाहे यहाँ या 1 कुरिन्थियों 16:2 में या 2 कुरिन्थियों 8:9 में, वो हमेशा कलीसिया के गरीब संतों के लिए था। हम ऐसा कहीं नहीं पढ़ते कि पौलुस या किसी दूसरे प्रेरित ने अपने लिए या अपनी सेवकाई के लिए किसी से धन जमा करने के लिए कहा हो। उन्होंने हमेशा इस बात की सिफारिश की कि गरीबों की मदद की जाए। पौलुस अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए काम करता था और अपनी अतिरिक्त जरूरतों के लिए प्रभु पर भरोसा रखता था कि वह लोगों से बात करके उन्हें उभारेगा और वे उसकी उन जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे पैसा भेजेंगे। वह स्वयं अपनी जरूरतों का प्रचार नहीं करता था या संतों को स्वयं अपने काम की रिपोर्ट भेजने द्वारा उनसे मदद पाने की अपेक्षा नहीं करता था। अंताकिया में जो धन इकट्ठा किया गया वह शाऊल और बरनबास द्वारा यरूशलेम भेजा गया। प्रेरितों 11:29-30। यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच एक बड़ी दीवार थी, लेकिन परमेश्वर ने अंताकिया के गैर यहूदियों और यरूशलेम के यहूदियों को एक दूसरे के नजदीक लाने के लिए एक अकाल को इस्तेमाल किया। परमेश्वर हमारे जीवनों और कलीसियाओं में कुछ कष्ट और परीक्षाएं इसलिए आने देता है क्योंकि वे हमें एक दूसरे से नजदीक लाने के लिए तैयार की गई होती है। जब एक विश्वासी अस्पताल में बीमार होता है तो दूसरे विश्वासी उसके परिवार के लिए खाना ला सकते हैं और उसका अस्पताल का भुगतान कर सकते हैं। फिर जब बीमार व्यक्ति अस्पताल में से बाहर आएगा तो वह मसीह के देह के साथ ज्यादा नजदीकी से जुड़ जाएगा। इसलिए हम उन बीमारियों के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं जिन्हें वह हमारे जीवन में आने देता है। अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं कि हेरोद ने याकूब को मरवा डाला। फिर हेरोद ने पत्रस को भी बंदी गृह में डलवा दिया, लेकिन कलीसिया ने उसके रिहाई के लिए बड़ी आग्रहपूर्ण प्रार्थना की और उसे एक बड़े चमत्कारिक रूप में मुक्ति मिली। 12:5-6। परमेश्वर याकूब को भी इसी तरह आसानी से छुड़ा सकता था, लेकिन जब परमेश्वर की पुस्तक के अनुसार एक मनुष्य का पृथ्वी पर समय पूरा हो जाता है तब परमेश्वर उसे स्वर्गीय घर में बुला लेता है। पुरानी वाचा में हम देखते हैं कि उरिया और यिर्मयाह दोनों ही नबियों ने राजा यहोयाकीम को अपनी नबुवतों से अप्रसन्न किया था, लेकिन राजा द्वारा उरिया मार डाला गया जबकि यिर्मयाह बच निकला था। यिर्मयाह 26:11 और 20-24। यहां याकूब मारा गया लेकिन पत्रस बच निकला। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का जवाब उस तरह क्यों नहीं दिया जैसा उसने किसी दूसरे व्यक्ति की प्रार्थना का दिया था? जब पत्रस ने उस प्रार्थना सभा में अपनी साक्षी दी थी तो याकूब की मां ने ये जरूर सोचा होगा कि परमेश्वर ने उसके पुत्र को क्यों नहीं छुड़ाया था। अगर वह ईश्वरीय स्त्री रही होगी तो उसने परमेश्वर की प्रभुसत्ता को समझा होगा और पत्रस के छूट जाने पर उसके परिवार के साथ आनंद मनाया होगा। हम कभी कभी ये देखते हैं कि किसी बीमारी से एक भाई तो चंगा हो जाता है लेकिन दूसरा उसी बीमारी से मर जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास अपने आप को दीन करके
परमेश्वर की प्रभु सत्ता को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। पहला मिशनरी सुसमाचार संपर्क। अध्याय 13 में हम अंतकिया के सबसे पहले महान मिशनरी आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। बरनबास और शाउल ने, जो दान का पैसा लेकर अंतकिया से यरूशलेम गए थे, पत्रस की अद्भुत रिहाई से विस्मित हो गए थे और उन्हें इससे बड़ी चुनौती मिली थी। वे यरूशलेम में लोगों को भौतिक आशीष देने गए थे, लेकिन ये देखकर कि प्रार्थना द्वारा क्या हो सकता है, उन्होंने बदले में बड़ी आत्मिक आशीषें पाई थी। जो दूसरे की खेती सींचता है, उसकी भी खेती सींची जाएगी। नीति वचन 11:25। जब वे अंतकिया लौटे तो प्रार्थना के बारे में जो सीखा था वो उन्होंने वहां के प्राचीनों को सिखाया। 13:1-2। उन सब ने उपवास और परमेश्वर की आराधना करने का फैसला किया। वे बिना कुछ मांगे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उपवास करना और सिर्फ आराधना करना बड़ी अद्भुत बात होती है। परमेश्वर ने उनसे बात की और उनसे कहा, मेरे लिए बरनबास और शाउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें पहले से ही बुलाया है। 13:2। यहां ये नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने उनसे किस तरह बात की थी। उन्होंने अपनी आत्माओं की गहराई में ये जाना होगा कि परमेश्वर उनसे क्या कह रहा है। ये वो समय न था जिसमें परमेश्वर ने शाउल और बरनबास को बुलाया था। उसने उन्हें पहले से ही बुलाया हुआ था। परमेश्वर जब भी किसी को बुलाएगा तो वो हमेशा ही व्यक्तिगत और निजी तौर पर बुलाएगा। और जैसा हम यहाँ देखते हैं, उस बुलाहट की बाद में सब लोगों के बीच में पुष्टि हो सकती है। लेकिन जब कोई ऐसा बोले, प्रभु यूं कहता है, यहाँ जाओ या इस व्यक्ति से विवाह करे आदि, आपको ऐसे शब्दों को कूड़े के डिब्बे में डाल देने चाहिए जो उनकी सही जगह है। अगर परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ करें, तो वह निजी तौर पर आपसे बात करेगा। ये हो सकता है कि वह दूसरे अगुओं द्वारा उस बात की पुष्टि करे, लेकिन वह हमेशा ही एक ऐसी बात से संबंधित होगा जिसके बारे में वह आपको पहले ही बता चुका है। शाउल और बरनबास ने अपनी बुलाहट पहले ही सुन ली थी। वे उसके बारे में सोच रहे थे कि प्रार्थना सभा में उन्होंने प्राचीनों को ये कहते सुना, मेरे लिए बरनबास और शाउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें पहले से बुलाया हुआ है। शाउल और बरनबास ने धीरज से तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि उनके साथी प्राचीनों ने भी परमेश्वर की बात को न सुन लिया, और फिर वे उनके साथी प्राचीनों द्वारा भेजे जाने के बाद गए। नई वाचा में मसीह की देह की सेवकाई इस तरह होती है। ये पुरानी वाचा की सेवकाई जैसी नहीं है, जिसमें नबी स्वयं वहां चले जाते थे जहां वे ये महसूस करते थे कि परमेश्वर उन्हें भेज रहा है। प्रभु ने मुझे 6 मई 1964 को पूर्णकालिक सेवकाई के लिए बुलाया। उस समय मैं भारतीय नौसेना में सेवारत था और छुट्टी पर था। मैं एक सुसमाचार प्रचार करने वाली टीम के साथ सभाएं कर रहा था, और उस समय पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हुए मैंने यशया 49 में से स्पष्ट रूप में परमेश्वर को मुझे बुलाते हुए सुना। लेकिन मेरे आसपास बैठे किसी व्यक्ति ने वह नहीं सुना जो परमेश्वर ने मुझसे कहा था। वह एक व्यक्तिगत और निजी बुलाहट थी। लगभग 1 घंटे के बाद, जबकि मैं परमेश्वर की बुलाहट के बारे में सोच रहा था और नौसेना में से इस्तीफा देने के बारे में विचार मग्न था, तब हमारे साथ यात्रा कर रहा परमेश्वर का एक जन
जिनका मैं पूरे भारत में सबसे ज्यादा आदर करता था, मेरे पास आए और बोले, तुम नौसेना से कब इस्तीफा देने वाले हो? वह एक नबुवत का शब्द था जिसने मुझे विस्मित कर दिया, लेकिन वह सिर्फ उस बात की बाहरी पुष्टि थी जो परमेश्वर ने मुझे भीतरी तौर पर पहले ही बता दी थी। अगर परमेश्वर आपको बुलाएगा तो वह पहले आपको व्यक्तिगत तौर पर बुलाएगा, फिर दूसरे ईश्वरीय लोगों द्वारा उसकी पुष्टि होगी, लेकिन उस बुलाहट को पहले आपको सुनना होगा। हम नई वाचा में इस तरह से ही होता हुआ देखते हैं। 13:36 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार अपने युग के लोगों की सेवा पूर्ण करके सो गया। हम सभी को परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हुए अपनी पीढ़ी की सेवा करनी है, इसलिए पृथ्वी छोड़ने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आप परमेश्वर की सारी इच्छा पूरी कर दें। ऐसा करने के लिए आपको दाऊद जैसा व्यक्ति होना पड़ेगा जिसके बारे में परमेश्वर ये कह सका था, मुझे दाऊद मिल गया है, ऐसा व्यक्ति जो मेरे मन के अनुसार है और जो मेरी इच्छा पूरी करेगा। पद 22, कलीसियाओं की स्थापना और प्राचीनों की नियुक्ति। अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने कैसे पौलुस द्वारा एक लंगड़े को चंगा किया। ये देखना एक बड़ी दिलचस्प बात है कि लुस्त्रा के लोग कितने अस्थिर थे। वे पहले तो पौलुस और बरनबास के देवताओं की तरह आराधना करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अगले ही पल वे उन्हें मार डालना चाह रहे थे। पद 13 और 19, नासरत के आराधनालय में यीशु को भी कुछ इसी तरह का अनुभव हुआ था। पहले तो लोगों ने कहा, उसके मुख से कैसे मनोहर शब्द निकल रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वे उसे मार डालना चाह रहे थे। लूका 4:22, 28 और 29, लेकिन वे यीशु को नहीं मार सके और वे पौलुस को भी नहीं मार सके, क्योंकि उनके लिए परमेश्वर द्वारा ठहराया समय पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने पौलुस का पथराव किया और उसे घसीटकर नगर के बाहर ले गए और उसे मरा हुआ जानकर छोड़ गए। क्या परमेश्वर लोगों को उसके सर्वश्रेष्ठ सेवकों के साथ ऐसा व्यवहार करने की अनुमति देता है? हाँ, वो आज भी ये अनुमति देता है। उसने दुष्ट लोगों को यीशु को मारने से नहीं रोका जब उसका समय हो गया था, और परमेश्वर ने दुष्ट लोगों को आरंभिक शिष्यों को मारने से नहीं रोका। और जहां तक हमारी जानकारी है, सभी मूल प्रेरितों में से सिर्फ यूहन्ना ही अपनी प्राकृतिक मृत्यु से मरा था। यहूदा ने आत्महत्या कर ली थी। बाकी के सभी 10 प्रेरित शहीद हुए थे। पौलुस का सिर काटा गया था। इतिहास में यीशु मसीह के सबसे बड़े सेवकों की हत्या की गई है, और परमेश्वर ने दुष्ट लोगों को उन्हें मारने से नहीं रोका। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 में पौलुस ने अपने 14 साल पहले के अनुभव की बात की, जिसमें उसे तीसरे आकाश तक ऊंचा उठाया गया था और फिर पृथ्वी पर वापस लाया गया था। ये हो सकता है कि यह लुस्त्रा में उसके पथराव के समय हुआ हो, जब उसकी देह लुस्त्रा के बाहर पड़ी थी। तब शायद परमेश्वर ने उसे तीसरे स्वर्ग तक एक त्वरित यात्रा कराई हो। अगर परमेश्वर ऐसा होने देता है कि आपको तीव्र पीड़ा का सामना करना पड़े, तो आप यकीन कर सकते हैं कि वह उस पीड़ा की भरपाई करने के लिए आपको कुछ बहुमूल्य भेंट भी देगा। 14:21 में हम देखते हैं कि पौलुस लुस्त्रा में प्रचार करने के लिए वापस गया था। जिस नगर में उसका पथराव हुआ था, वह उसी नगर में वापस जाने से भयभीत नहीं हुआ। उसने वहां के विश्वासियों को अब अपने अनुभव में से ये कहते हुए दृढ़ किया
हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। पद 22। पौलुस के पास ये बोलने का आत्मिक अधिकार था, क्योंकि वह अपनी देह पर क्लेश के दाग और घाव लिए हुए था। 14:23 में हम पौलुस को उसके द्वारा स्थापित सभी कलीसियाओं में प्राचीन नियुक्त करते हुए देखते हैं। नई वाचा में कलीसिया की अगुवाई करने के लिए आप कहीं भी पास्टर को नियुक्त होते हुए नहीं देखते हैं। पास्टर शब्द बाइबल में सिर्फ एक जगह इफिसियों 4:11 में मिलता है, जहां उसका गलत अनुवाद किया गया है। जिस यूनानी शब्द पोइमेन का अनुवाद पास्टर किया गया है, उसका अनुवाद नए नियम में बाकी सभी 22 जगह चरवाहा किया गया है, और इफिसियों 4:11 में भी उसका अनुवाद चरवाहा यही होना चाहिए था। चरवाहे प्रभु द्वारा कलीसिया को दिए गए ठीक उस तरह के वरदान है जैसे प्रेरित, नबी, सुसमाचार प्रचारक और शिक्षक है, लेकिन इनमें से कोई पद नहीं है, लेकिन प्राचीन कलीसिया में अगुवाई का एक पद है, और हमेशा हरेक कलीसिया में एक से ज्यादा प्राचीन नियुक्त किए गए थे। पुरानी वाचा में परमेश्वर एकाकी व्यक्तियों को उसके लोगों का अगुआ होने के लिए बुलाता था, जैसे मूसा, यहोशू और दाऊद। लेकिन यीशु ने आकर अपने शिष्यों को दो दो करके भेजना शुरू किया। नई वाचा में पवित्र आत्मा ने पौलुस के साथ बरनबास को बुलाया। परमेश्वर की इच्छा है कि कम से कम दो भाई एक कलीसिया की अगुवाई करें। मसीह की देह सिर्फ तभी अभिव्यक्त हो सकती है। यीशु ने एक बार दुनिया भर की कलीसिया की बात की, मत्ती 16:18, और सिर्फ एक बार स्थानीय कलीसिया की बात की, मत्ती 18:17, और स्थानीय कलीसिया की अगुवाई के संदर्भ में उसने कहा कि जहां कम से कम दो लोग मौजूद होंगे तो वह उनके बीच मौजूद रहेगा, मत्ती 18:20। एक स्थानीय कलीसिया में शैतान के काम को बांधने के लिए कम से कम ऐसे दो प्राचीन होने चाहिए जो एक दूसरे के साथ एक मत हो, मत्ती 18:18-19। दो प्राचीन एक कलीसिया की संतुलित अगुवाई भी कर सकते हैं। अध्याय 15 में हम खतना के लिए हुए एक विवाद के बारे में पढ़ते हैं। प्रेरितों ने इकट्ठे होकर बड़ी बुद्धिमानी से इस विषय पर चर्चा की। याद रखें कि वह ऐसा समय था जब नई वाचा एक लिखित रूप में नहीं थी। आज ऐसे वाद विवाद गैर जरूरी है, क्योंकि अब हमारे पास लिखित रूप में नई वाचा है। वह ऐसा समय था जब वे पुरानी वाचा से नई वाचा की तरफ बढ़ रहे थे। कृपा और सत्य का संतुलन। 15:36 में पौलुस ने बरनबास को यह परामर्श दिया कि वे फिर से नई कलीसियाओं की भेंट करें और उनके विश्वासियों को स्थिर करें। हमारे सीखने के लिए यह कुछ लाभदायक बात है। सुसमाचार रहित लोगों के साथ सुसमाचार संपर्क करने का जैसा बोझ प्रेरित पौलुस में था, ऐसा शायद कभी किसी मनुष्य में नहीं था। उसकी हमेशा उन जगहों में मसीह का प्रचार करने की इच्छा रहती थी जहां उसके बारे में कभी किसी ने नहीं सुना था। फिर भी हम यहां पढ़ते हैं कि वह विभिन्न कलीसियाओं में लौटना और उन्हें दृढ़ करना चाहता था। उस समय ऐसी हजारों जगह बाकी थी जहां सुसमाचार का प्रचार नहीं हुआ था, लेकिन पौलुस ये जानता था कि जो मसीह में बच्चे थे उन्हें मसीह में एक देह के रूप में दृढ़ करना जरूरी था। लेकिन ये एक दुखद बात है कि आज हमारे समय में बहुत से लोग इस बात को अनदेखा करते हैं। तब बरनबास ने ये सलाह दी कि वे यूहन्ना मरकुस को साथ ले लें। यूहन्ना मरकुस पहली मिशनरी यात्रा में उनके साथ गया था।
लेकिन उसे मिशनरी काम कठिन लगा था, इसलिए उसने बीच में ही उनका साथ छोड़ दिया था। पौलुस ने उसे दूसरा मौका देने से इनकार कर दिया, लेकिन बरनबास उसे दूसरा मौका देना चाहता था, क्योंकि मरकुस बरनबास का भाई लगता था। कुलुसियों 4:10। इस मामले में पौलुस और बरनबास के बीच हुआ विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि वे एक दूसरे से अलग हो गए। 15:39। पवित्र आत्मा ने पौलुस और बरनबास को एक खास काम के लिए एक साथ बुलाया था। पौलुस एक दृढ़ व्यक्ति था जिसमें सत्य का पक्ष बहुत प्रबल था। बरनबास एक सौम्य व्यक्ति था जिसमें कृपा का पक्ष प्रबल था। उन दोनों के बीच परमेश्वर की महिमा कृपा और सत्य से भरपूर रूप में नजर आ सकती थी। यूहन्ना 1:14। लेकिन उनका एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बन सका। क्या ये अलगाव परमेश्वर की इच्छा में था? नहीं, परमेश्वर लोगों को सिर्फ 1-2 साल तक काम करने के लिए नहीं बुलाता। अगर उन दोनों ने साथ मिलकर काम किया होता तो प्रभु का काम और कितना ज्यादा आगे बढ़ा होता। अपने जीवन के अंत में पौलुस ने कहा, मरकुस मेरे लिए उपयोगी है। 2 तिमोथियस 4:11। इसका यूहन्ना मरकुस पर क्या प्रभाव हुआ था? उसे पौलुस के मनोभाव द्वारा आशीष मिली और उसे बरनबास के मनोभाव द्वारा आशीष मिली। पौलुस के दृढ़ मनोभाव की वजह से वह अपने मसीह जीवन के प्रति ज्यादा गंभीर हो गया होगा। इसके साथ ही बरनबास के सौम्य मनोभाव ने उसे निरुत्साहित होने और हार मान लेने से बचाया होगा। जब कृपा और सत्य साथ मिलकर काम करते हैं तब लोग वास्तव में आशीष पाते हैं। हम देखते हैं कि प्रेरितों ने भी गलतियां की थी। प्रेरितों के काम में प्रेरितों द्वारा की गई अनेक गलतियों का उल्लेख किया गया है। इस वजह से ही हमें प्रेरितों के काम की पुस्तक के आधार पर कोई धर्म सिद्धांत स्थापित नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रेरितों ने अपनी गलतियों से सीखा था। अगर पौलुस और बरनबास के बीच हुए मतभेद के समय उनकी आयु 60 वर्ष की होती तो वे एक दूसरे से अलग हुए बिना जरूर कोई रास्ता ढूंढ लेते, लेकिन उस समय वे अपने 4th दशक में थे। लेकिन प्रेरितों की निष्फलताएं हमें उत्साहित करती है, क्योंकि हम सबने भी गलतियां की हैं। परमेश्वर ने उनकी गलतियों द्वारा भी सुसमाचार को आगे बढ़ाया। अब वे एक की बजाय 2 दलों में बढ़ गए और दोनों दलों में एक एक अनुभवी व्यक्ति था। बरनबास ने मरकुस को अपने साथ लिया और पौलुस ने सिलास को। इस तरह सुसमाचार और दूर तक फैला। परमेश्वर ऐसा होने देता है कि शैतान के काम भी सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो सके। प्रभु की स्तुति हो, वह हमारी गलतियों द्वारा भी ऐसा कर सकता है। 16:1-2 में हम पौलुस की तिमोथियुस से मुलाकात के बारे में पढ़ते हैं। पौलुस ने सिलास को अपना सहकर्मी होने के लिए चुना था, लेकिन पौलुस के सहकर्मी के रूप में परमेश्वर के मन में एक दूसरा व्यक्ति था, तिमोथियुस। जब बरनबास ने पौलुस का साथ छोड़ दिया तब परमेश्वर ने देखा कि पौलुस को एक और सौम्य व्यक्ति की जरूरत है। तब उसने उसे तिमोथियुस दिया, जो एक उत्कृष्ट शिष्य था जिसका मनोभाव बरनबास जैसा था। तब हम पौलुस द्वारा की गई एक और गलती देखते हैं। उसने यहूदियों को प्रसन्न करने के लिए तिमोथियुस का खतना करवाया। बाद में पौलुस ने इस विषय में ज्योति पाई और उसने ये कहा कि खतना जरूरी नहीं है। गलतियों 5:2-3। लेकिन प्रेरित पुरानी और नई वाचा के अंतराल में थे और उन्हें स्पष्ट ज्योति पाने में समय लगा था। 16:9 में हम आरंभिक मसीहों में आत्मिक अगुवाई के बारे में समझ का एक उदाहरण देखते हैं। पौलुस दल का अगुआ था और सिर्फ उसने ये दर्शन देखा
कि मकी दुनिया का एक पुरुष खड़ा उससे निवेदन कर रहा था कि वह मकी दुनिया में जाकर उनकी मदद करे। अगले पद 16:10 में हम पढ़ते हैं, जब पौलुस ने वह दर्शन देखा तो हम सब ने मकी दुनिया जाने का विचार किया। दल के बाकी सदस्यों को पौलुस की अगुवाई में इतना भरोसा था कि वे बोले, पौलुस अगर तूने दर्शन देखा है तो हमारे लिए वही काफी है। हम सबको दर्शन देखने की जरूरत नहीं है। हमें यकीन है कि परमेश्वर ने हमें मकी दुनिया जाने के लिए बुलाया है। जब एक दल में ऐसा ईश्वरीय अगुआ होता है तो ये अद्भुत बात होती है। ऐसे बहुत से मसीह सेवक हैं जो बिना किसी संगति या अगुवाई अकेले ही काम करते हैं। वे ऐसा करने का चुनाव इसलिए करते हैं क्योंकि ये उनकी शारीरिक सोच के अनुकूल होता है। फिर वे किसी से सलाह किए बिना जो चाहे वह कर सकते हैं, लेकिन इस तरह वे अंततः अपना नाश कर लेंगे। अगर आप जवान हैं, तो आपके मार्गदर्शन के लिए आपको परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए एक अगुए की जरूरत रहती है। जो ईश्वरीय अगुवाई को अस्वीकार करते हैं वे खतरे में पड़ जाते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में 16:6 में हम पढ़ते हैं कि वे फ्रूगिया और गलतिया के क्षेत्रों में से होकर गुजरे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। पवित्र आत्मा ने उन्हें गलातियों में कैसे रोका? पौलुस गलातियों 4:13 में इसके बारे में बताता है, तुम जानते हो कि पहली बार मैं किसी शारीरिक अस्वस्थता के कारण ही तुम्हें सुसमाचार सुना सका था। पौलुस एशिया माइनर में जाने की योजना बना रहा था, लेकिन वह गलातिया में बीमार पड़ गया था, इसलिए वह वहां से आगे नहीं जा सका था। और जब वह वहां था तब उसने उस क्षेत्र के लोगों को प्रचार किया था। कुछ लोगों ने मन फिराया था और वहां कलीसियाएं स्थापित हुई थी। इस तरह पौलुस को एक जगह पर रोकने के लिए परमेश्वर ने उसे बीमार होने दिया, क्योंकि उस जगह में ऐसे लोग थे जिनका उद्धार होना था। इसलिए बीमार पड़ने पर ऐसा न सोचे कि आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से चूक जाएंगे। 16:17 में हम एक दुष्टात्मा ग्रस्त लड़की को पौलुस और सिलास के पीछे पीछे घूमते और ये कहते हुए पाते हैं, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है। कुछ दिनों तक पौलुस ने उसे अनदेखा किया, लेकिन फिर उसने उस दुष्टात्मा को उसमें से निकल जाने के लिए कहा। पौलुस को किसी दुष्टात्मा की साक्षी की जरूरत नहीं थी। यीशु ने भी किसी दुष्टात्मा की साक्षी ग्रहण करने से इनकार किया था। 17:10-11 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस और सिलास बिरिया नगर में गए। बिरियाई लोगों को सज्जन कहा गया है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को बड़ी उत्सुकता से ग्रहण किया था और वे प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ये खोज करते थे कि जो बातें वे सुन रहे थे वे पवित्र शास्त्र के अनुसार थी या नहीं। वे हर एक प्रचारक के धर्म सिद्धांत की खोजबीन पवित्र शास्त्र के अनुसार करते थे, इसलिए उन पर ये खतरा नहीं था कि वे किसी झूठी शिक्षा के शिकार हो जाएंगे। और इस वजह से ही पौलुस को दूसरी कलीसियाओं की तरह बिरिया के लोगों को पत्र लिखकर उनके बीच किसी झूठी शिक्षा को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ी थी। 18:9-10 में हम पढ़ते हैं कि जब पौलुस कुरिन्थुस में था तो प्रभु ने उसे कहा कि किसी प्रकार के विरोध से मत डर, प्रचार करता जा और चुप न रहे, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। अगर किसी जगह पर सुसमाचार होता है तो सिर्फ इस वजह से हमें उस जगह से भाग जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर हमें सताव का सामना करना पड़े तो प्रभु ने हमसे कहा है, वे जब तुम्हें एक नगर में सताए तो तुम दूसरे नगर को चले जाना। मत्ती 10:23। लेकिन वहां से भागने से पहले
फिर भी प्रभु की इच्छा जान लेना अच्छा होता है। अगर प्रभु हमें जाने के लिए कहे तो हमें चले जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी प्रभु हमें वही रुकने के लिए कह सकता है, जैसा उसने शाऊल से कहा था। सिर्फ बाहरी बातों को देखने की बजाय परमेश्वर के सुनना अच्छा होता है। 18वां अध्याय 24 से 28 में हम एक ईश्वरीय बहन प्रिस्किला और उसके पति अक्विला को अपुल्लोस नाम के एक जोशीले भाई को सुसमाचार की ज्यादा समझ पाने में मदद करते हुए पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे सुसमाचार के सत्य के बारे में प्रिस्किला की समझ उसके पति से ज्यादा थी, क्योंकि नई वाचा में जिन 5 जगहों में इन दोनों के नामों का साथ साथ उल्लेख किया गया है, 18:26, उनमें से 4 में प्रिस्किला का नाम उसके पति से पहले है। वह जानती थी कि नई वाचा में बहनें नबुवत कर सकती हैं। प्रेरितों 2:17 और 1 कुरिन्थियों 11:5। लेकिन इसके साथ ही वह एक बहन के रूप में कलीसिया में अपना स्थान भी जानती थी, इसलिए उसने अपुल्लोस से अकेले सत्य बांटने की कोशिश नहीं की। उसने अपुल्लोस को अपने घर बुलाया और अपने पति के साथ बैठकर उसने उसे सुसमाचार समझाया। इसके परिणाम स्वरूप अपुल्लोस एक शक्तिशाली सुसमाचार प्रचारक बन गया। इस नई वाचा के युग में बहनों की बड़ी सेवकाई हो सकती है। 19:2 में पौलुस ने इफिसुस में कुछ शिष्यों से एक सवाल पूछा, जब तुमने विश्वास किया तब क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया था? यह पौलुस का सवाल स्पष्ट तौर पर हमें यह सिखाता है कि एक विश्वासी के लिए मसीह में विश्वास करते समय ही पवित्र आत्मा पा लेना संभव है। 2, यीशु में विश्वास करने के बाद भी यह संभव है कि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा न पाए। इसका अर्थ है कि उसने नया जन्म नहीं पाया है। 3, हम यह निश्चित रूप में जान सकते हैं कि हमने पवित्र आत्मा पाया है या नहीं। उन्होंने जवाब दिया कि हमने तो सुना भी नहीं कि पवित्र आत्मा है। तब उसने उनसे पूछा, फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? ये दर्शाता है कि उन दिनों मसीही सिर्फ यीशु के नाम में ही बपतिस्मा नहीं लेते थे, बल्कि पिता, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेते थे। इस वजह से ही पौलुस की यह अपेक्षा थी कि बपतिस्मा लेते समय उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में सुना होगा। फिर उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था। फिर पौलुस ने उन्हें पिता, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया। फिर पौलुस ने उन पर हाथ रखे और उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे अन्य भाषाएं बोलने लगे और नबुवत करने लगे। प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा के काम करने के विभिन्न तरीकों को देखें। 2 में 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा उन पर उतरा। 8 में सामरिया के लोगों ने तब पवित्र आत्मा पाया जब यूहन्ना और पत्रस ने उन पर हाथ रखे। 9 में पौलुस ने हनन्या के हाथ रखने द्वारा पवित्र आत्मा पाया। 10 में कुर्नेलियोस ने पानी का बपतिस्मा लेने से पहले और बिना किसी के हाथ रखे संदेश सुनते समय ही पवित्र आत्मा पाया। यहाँ 19 में उन्होंने हाथ रखने द्वारा पवित्र आत्मा पाया। इससे हम ये सीखते हैं कि पवित्र आत्मा हाथ रखे जाने या हाथ रखे बिना और पानी का बपतिस्मा लिए बिना भी पाया जा सकता है। इसमें तरीका मुख्य बात नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा पाने की हकीकत मुख्य बात है। 20:17-35 में इफिसुस के प्राचीनों के साथ 3 साल तक रहने के बाद पौलुस उन्हें चेतावनी देता है। प्रभु की सेवा करने के बारे में
हमारे लिए यहाँ सीखने की कुछ बातें हैं। सबसे पहले पौलुस ने मन फिराव और विश्वास के बारे में प्रचार किया था। 20:21 उसने मन फिराव के संदेश को आज के प्रचारकों की तरह अनदेखा नहीं किया था, और अब जब वह प्राचीनों को छोड़कर जा रहा था तो उसने अपने प्रचारों की विभिन्न विषय वस्तुओं के मुख्य बिंदुओं के बारे में बात नहीं की, बल्कि उसने उनका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया कि उसने उनके बीच में रहते हुए कैसा नम्रता और दीनता का सहज जीवन बिताया था। 20:18-19 वह साहस के साथ ये कह सका था, मेरा अनुसरण करो जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। जिनके बीच में हम रहते हैं उन लोगों के साथ हमारे शब्दों से ज्यादा हमारे जीवन को बात करनी चाहिए। फिर उसने उन्हें ये चेतावनी दी कि वे पहले अपने जीवनों की चौकसी करें और फिर अपने झुंड की देखभाल करें। 20:28 उसने उन्हें चेतावनी दी कि उसके जाने के बाद कलीसिया में भेड़िए घुस आएंगे। 20:29 वे भेड़िए पौलुस के रहते हुए क्यों न घुस सके थे? क्योंकि पौलुस एक बहुत सख्त द्वारपाल था। हर एक कलीसिया में एक ऐसा प्राचीन होना चाहिए जो भेड़ों की भेड़ियों से रखवाली करने के लिए अपनी लाठी का इस्तेमाल करने वाला हो। भजन संहिता 23:4 लेकिन अगर दूसरी तरफ प्राचीन एक कोमल सौम्य व्यक्ति होने के लिए अपना नाम कमाने की खोज में लग जाएंगे तो कलीसिया को शुद्धता की दशा में बनाए नहीं रखा जा सकेगा, क्योंकि फिर भेड़ के खालों में भेड़िए घुसकर कब्जा कर लेंगे और कलीसिया का नाश हो जाएगा। पौलुस ने उन्हें भी बताया कि उसने कैसे स्वयं मेहनत से काम करने द्वारा अपने आप को और अपने सहकर्मियों को संभाला था और किसी पर बोझ नहीं बना था। 20:33-35 लेकिन उन प्राचीनों ने पौलुस की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया और इफिसुस की कलीसिया धीरे धीरे प्रभु से दूर हो गई थी। प्रकाशित वाक्य 2:1-5 पौलुस का बंदी गृह में डाला जाना। 21:3-14 में हम शारीरिक और आत्मिक नबुवत के बीच फर्क देखते हैं। सुर में कुछ मसीहों ने नबुवत की और पौलुस से कहा कि उसे यरूशलेम नहीं जाना चाहिए। वे नेक इरादों वाले विश्वासी थे, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि नई वाचा की नबुवत की हदों में कैसे रहा जाता है। उन्होंने उनके मन में आए सभी विचार व्यक्त कर दिए और उन्हें नबुवत मानते हुए उनके आगे ये प्रस्तावना भी की कि प्रभु यूं कहता है। आज बहुत लोग यही करते हैं। फिर कुछ समय बाद अगबुस नाम के एक सच्चे नबी ने आकर नबुवत की। 21:11 लेकिन वह जानता था कि उसकी हद कहां थी। उसने सिर्फ इतना कहा कि पौलुस को यरूशलेम में बंधनों में जकड़ा जाएगा, लेकिन उसने पौलुस को ये नहीं कहा कि उसे वहां जाना चाहिए या नहीं। जैसा हमने पहले अध्याय 11 में देखा था, नई वाचा की नबुवत में हालांकि उसमें भविष्य के बारे में चेतावनी हो सकती है, फिर भी उसमें किसी विश्वासी को ये मार्गदर्शन नहीं दिया जाएगा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पिंतेकुस के दिन से पवित्र आत्मा के आने के बाद अब सभी अपने लिए पिता की इच्छा जान सकते हैं। इब्रानियों 8:11 पिंतेकुस के दिन के बाद से बाइबल में कहीं भी दिशा निर्देशीय नबुवत का एक भी उदाहरण नहीं मिलता। क्या अब आप शारीरिक और आत्मिक नबुवत के बीच का फर्क देख सकते हैं? तब पौलुस यरूशलेम गया। क्या वह परमेश्वर की इच्छा में वहां गया था? वह निश्चय ही परमेश्वर की इच्छा में गया था। वहां प्रभु ने दर्शन देकर उसे कहा, साहस रख,
क्योंकि जिस प्रकार तूने यरूशलेम में दृढ़ता से मेरी साक्षी दी है, वैसे ही तुझे रोम में साक्षी देनी है। 23:11। वह प्रभु ने उसे स्पष्ट बताया कि वह परमेश्वर की इच्छा में था। इसलिए अगर पौलुस ने उन नेक इरादों वाले लेकिन अपरिपक्व मसीहों की बात सुनी होती जो नबुवत करके उसे यरूशलेम जाने से रोक रहे थे, तो वह यरूशलेम या रोम न गया होता और वह परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से चूक जाता। रोम के बंदी गृह में से ही पौलुस ने इफिसियो, फिलिपियो और कुलुसियो की पत्रियां लिखी थी। अगर पौलुस ने सुर में उन स्वनियुक्त नबियों की बात मान ली होती जो ये कल्पना कर रहे थे कि प्रभु उनके द्वारा बात कर रहा है, तो हमें ये पत्रियां न मिली होती। अगर आप ऐसे लोगों की बात सुनेंगे जो आपको दिशा निर्देशीय नबुवत का वचन देते हैं, तो आज भी आप परमेश्वर की इच्छा से चूक जाएंगे। लेकिन इसी अध्याय में, अध्याय 21, जिसमें हम पौलुस को मनुष्यों की नहीं लेकिन पवित्र आत्मा की बात सुनता हुआ देखते हैं, हम उसे उसके मसीही जीवन की सबसे बड़ी गलती भी करते हुए देखते हैं, जिसमें उसने पवित्र आत्मा की नहीं मनुष्यों की बात सुनी। 21वां अध्याय 18 से 26 में हम ये पढ़ते हैं कि वह यरूशलेम की कलीसिया के अगुए याकूब के दबाव में आ गया और उसने यहूदियों के मंदिर की कुछ विधियां पूरी की और अपना सिर भी मुड़वाया। ये दर्शाता है कि कैसे परमेश्वर के महान जन भी तब निष्फल हो जाते हैं जब वे पवित्र आत्मा की भीतरी साक्षी को सुनना छोड़ देते हैं। 24:16 में पौलुस की साक्षी में हम उसके जीवन के एक बड़े रहस्य को देख सकते हैं। मैं परमेश्वर तथा मनुष्यों के बीच अपने विवेक को सदा निर्दोष बनाए रखने की कोशिश करता रहता हूँ। वो पाप को अपने विवेक में एक पल के लिए भी नहीं रहने देता है। वह उस पाप का परमेश्वर और मनुष्यों के सामने अंगीकार करते हुए सही हो जाता था। 26:19 में हम पौलुस के जीवन के एक और रहस्य को देखते हैं। मैंने स्वर्गीय दर्शन की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। जब दमिश्क के मार्ग पर प्रभु ने पौलुस से मुलाकात की, तब उसने उसके पूरे जीवन का मानचित्र उसे नहीं दिखा दिया था। उसने पौलुस को एक कदम के बाद दूसरा कदम दिखाया और पौलुस ने आज्ञा का पालन किया, एक कदम के बाद दूसरे कदम में। हम भी सिर्फ यही करने के लिए बुलाए जाते हैं। अध्याय 27 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस को बंदी बनाकर जिस जहाज में रोम ले जाया जा रहा था, वह तूफान में टूट जाता है। फिर भी पौलुस के उसमें होने की वजह से कोई नहीं मरा। परमेश्वर ने उस जहाज में सवार सभी लोगों की रक्षा की, चाहे एक जहाज हो, एक कार हो, एक हवाई जहाज हो, एक घर हो या एक नगर हो। अगर वहां परमेश्वर का एक जन भी मौजूद है तो सभी आशीष पाते हैं। 28वां अध्याय 30:31 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस रोम में 2 साल तक स्वयं किराए का मकान लेकर रहा। उसने रोम की कलीसिया से उसका किराए देने के लिए नहीं कहा, हालांकि वे ऐसा करने से आनंदित ही होते। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो सभी मनुष्यों के कर से मुक्त था। रोम में रहते हुए वह तंबू बनाकर पैसा नहीं कमा सकता था। तब उसने 2 साल तक मकान का किराया कैसे चुकाया होगा? पौलुस का पिता जरूर एक धनवान व्यापारी रहा होगा, क्योंकि सिर्फ ऐसे यहूदी ही तरसूस जैसी जगहों में जा सकते थे और अपने पुत्रों को ऐसी उच्च शिक्षा दिला सकते थे जैसी पौलुस ने पाई थी। लेकिन मसीह बनने के बाद
शायद पौलुस को उसके पूर्वजों की संपत्ति से बेदखल कर दिया गया होगा, लेकिन बाद में उसके परिवार ने अपना विचार बदल कर उसे उसकी विरासत का भाग दे दिया होगा। जब वह यरूशलेम में पकड़ लिया गया था तो हम पढ़ते हैं कि उसका भांजा उससे वहां मिलने आया था। 23:16 इस युवक ने ही शायद पौलुस को यह सूचना दी होगी कि उसके हिस्से की संपत्ति अब उसे दे दी गई है। यह संभव है क्योंकि इसके तुरंत बाद हम पढ़ते हैं कि राज्यपाल फेलिक्स पौलुस से रिश्वत पाने की आशा कर रहा था। 24:26 यह स्पष्ट है कि फेलिक्स जैसा राज्यपाल रिश्वत के रूप में एक बड़ी धनराशि की अपेक्षा कर रहा था। फेलिक्स ने यह कैसे सोच लिया था कि पौलुस जैसा गरीब प्रचारक उसे एक बड़ी रिश्वत दे सकता है? उसने रोमी सूबेदार से यह जाना होगा कि पौलुस को हाल ही में एक बड़ी धनराशि मिली है। इस धनराशि से ही पौलुस ने विश्व के सबसे महंगे नगर में 2 साल तक एक घर किराए पर लिया होगा। जब परमेश्वर के सेवक बूढ़े और कमजोर हो जाते हैं तो ये देखना बड़ा अद्भुत लगता है कि परमेश्वर फिर उन्हें कैसे संभालता है कि उन्हें लज्जित न होना पड़े। वह अपने प्रेम में चुपचाप हमारे लिए योजना बनाता है। सपन्या 3:17 भावानुवाद ये प्रभु की सेवा में लगे हम सभी लोगों के लिए एक उत्साहजनक बात होनी चाहिए। वह हमें कभी गिरने नहीं देगा। जब पौलुस एक बंदी के रूप में उस किराए के घर में रहा तो उसके ऊपर एक सैनिक तैनात किया गया था और वह आने वाले सभी लोगों को सुसमाचार सुनाता था। जितने सैनिक उस पर तैनात किए गए उन सभी ने सुसमाचार सुना और उनमें से कुछ ने अपने मन फिराए। फिलिपियो 1:13-4:22 परमेश्वर ने देखा कि पौलुस में बहुत सी आत्मिक सामग्री थी जिसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना जरूरी था, लेकिन पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा चलता फिरता रहता था। फिर यह कैसे होता कि परमेश्वर उसकी इतनी रोकथाम कर पाता कि उसमें परमेश्वर के विषय का जो ज्ञान था वह लेखबद्ध हो जाता? परमेश्वर ने यह ऐसे किया कि उसने शैतान को यह अनुमति दे दी कि वह पौलुस को रोम में बंदी बनाकर रखे। बंदी बनाए जाने के बाद ही पौलुस ने अपनी सबसे उत्कृष्ट पत्रियां लिखी जो शायद और किसी तरह नहीं लिखी जा सकती थी। ऐसी पत्रियां जो 20 शताब्दियों से लोगों को आशीष दे रही है। परमेश्वर की योजनाएं हमेशा हमारे सर्वश्रेष्ठ के लिए ही होती है। वह शैतान की बुराई को उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर लेता है। प्रेरितों के काम में अंतिम शब्द बिना किसी रुकावट है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमारे प्रभु यीशु का है, इसलिए सुसमाचार बिना किसी रुकावट के 20 शताब्दियों से बढ़ता रहा है और मसीह के लौटने तक बढ़ता रहेगा। प्रेरितों के काम में परमेश्वर ने हमें पौलुस का उदाहरण इसलिए दिया है कि उसका जीवन हमारे लिए एक चुनौती के समान हो। पौलुस अपने पूरे जीवन भर स्वयं ही अपनी जरूरतें पूरी करता रहा जिससे कि वह किसी पर बोझ न बने। और भी बहुत से क्षेत्रों में वह एक अद्भुत उदाहरण है। आइए हम उसके उदाहरण का अनुसरण करें और हमारे इस समय में प्रभु की सेवा करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको इस अद्भुत ईश्वरीय पुरुष के उदाहरण के लिए धन्यवाद देते हैं जो 20वीं शताब्दी से पहले रहता था, जिसका उदाहरण आज भी हमें चुनौती देता है। जैसे वो मसीह का अनुसरण करता था वैसे ही उसका अनुसरण करने के लिए हमारी मदद कीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।